1, 2, 3. हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल महात्मा में। मैं हूं अमित। और अभी जो आपने पहले वीडियो देखा है कि इस कुर्ते में जो झंडे का रंग आ जाता है और झंडा का एनिमेशन भी चलते रहता है, तो उसे मैंने कैसे बनाया उसी का मैं आज इसका ट्यूटोरियल देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अभी ये टिकटॉक पे वीडियो अपलोड कीजिएगा तो ये बहुत सारे लाइक्स पा सकते हैं आप टिकटॉक वीडियो पे, इस तरह की वीडियो पे, क्योंकि अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है। और मैंने भी सोचा कि टिकटॉक पे मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल दिए लेकिन इस तरह के ट्यूटोरियल नहीं दिए, तो आज मैं बता देता हूं। तो इसलिए एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, क्या चीज़ अच्छा लगा वो हमको बता दीजिएगा। और कुछ भी पूछना हो तो उसके लिए आपको इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे देख रही हो, वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लीजिए। और वहाँ पे जो भी पूछना होगा उसका मैं रिप्लाई जरूर करूंगा, तो वहाँ पे जाकर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ना कोई भूत ना कोई आत्मा, आप देखते रहिएगा हमेशा टेक्निकल महात्मा। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ काइन मास्टर ऐप में, क्योंकि इसी से वो वीडियो बनेगा। तो किस प्रकार से बनेगा तो उसको देखते रहिए, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास काइन मास्टर ऐप है तो बहुत ही अच्छा, और नहीं है तो इसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको प्लस पे टैप करना है और एम टी प्रोजेक्ट में 9:16 रेशियो का सिलेक्ट कर लेना है, जिससे कि आपको फुल स्क्रीन वीडियो बने। तो यहाँ पर एम टी प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है वो हम बताते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक और लिंक मिलेगी जो फ्लैग का एनिमेशन का वीडियो का, मतलब कि आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से रिडायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं उस वीडियो को। उस वीडियो को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसके बाद आपको सबसे पहले उस वीडियो को लगाना है। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है तो इसको हम लगा लेते हैं, और लगाने के बाद इसको टिक कर देते हैं। टिक करने के बाद इसका साउंड तो ऐसे नहीं है, तो तब पर भी इसको साउंड ऑफ कर देते हैं। ऑफ करने के बाद आपको करना क्या होगा, इसको फुल स्क्रीन बनाने के लिए मेरे में यहाँ पे नहीं आता, तो इसके लिए हमको रोटेट करना पड़ता है। 9:16 नहीं है, अगर आप में है तो बहुत ही अच्छा है, तो रोटेट कर लीजिएगा। नहीं है तो यहाँ पे हम रोटेट कर लेते हैं इसको। और रोटेट करने के बाद आपको करना क्या होगा, इसको क्रॉप करके यहाँ से थोड़ा सा इक्वल कर देना है। इक्वल करने के बाद ये जूम कर देना है, इस तरह से इतना पे रहना चाहिए, और नहीं तो और भी ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरह से कर दीजिएगा। उसके बाद टिक कर दीजिए। टिक करने के बाद आपको करना क्या होगा, जो आपने वीडियो शूट किया अपने मोबाइल से जो नॉर्मल कैमरा है उसके, लेकिन शूट करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आपने जो शर्ट पहना है, चाहे कोई भी शर्ट पहना है, लेकिन एक ही कलर का रहना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा शर्ट जो है वो एक ही कलर का है, तो फुल स्क्रीन के लिए हमको इसको भी रोटेट करना पड़ेगा। तो इसको भी हम रोटेट कर देते हैं ऐसे, और रोटेट करने के बाद इसको हम फुल कैसे करेंगे, तो ऊपर जाना है थोड़ा सा, और बीच में आ रहा है ऑप्शन स्प्लिट का, इस पर फुल स्क्रीन स्प्लिट कर देना है। उसके बाद यहाँ से इसको बैक करना है, और बैक करने के बाद इसका भी साउंड ऑफ कर देना है, ऐसे ऑफ कर देते हैं। और ऑफ करने के बाद यहाँ से इसको थोड़ा सा जहाँ पे हम मुड़ते हैं, यहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे हम हाथ इस पर मारते हैं, तो ऐसे इस पर टैप करना है, और टैप करने के बाद इसको सीजर पे चलना है और स्प्लिट हेड प्ले हेड कर देना है। इतना करने के बाद आपको करना क्या होगा, इसको टिक करना है, और टिक करने के बाद इस भाग को जो यहाँ से, जैसे कि आपको एक और काम करना होगा, जो वो साउंड है पीछे का, उस साउंड को कैसे लगाना है, तो यहाँ पर आपको टिकटॉक से वो साउंड मिले आपको, तो उसको डाउनलोड कर लेना है उस वीडियो को टिकटॉक साउंड पे। और साउंड पे डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या होगा, सो आपको यहाँ से दिखाते हैं। जैसे कि आपको लेयर में जाना है और मीडिया में जाना है, मीडिया में जाने के बाद आपको उस वीडियो को ले आना है जो आपने टिकटॉक से डाउनलोड किया है। तो मैंने जो टिकटॉक से डाउनलोड किया उस वीडियो को ले आते हैं, और उसको हम ऑडियो यहाँ से निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, सीजर पे जाना है और एक्सट्रैक्ट ऑडियो कर लेना है। एक्सट्रैक्ट ऑडियो करने के बाद वीडियो को डिलीट कर देते हैं, ऑडियो आ जाएगा, देख सकते हैं ऑडियो आ गया। और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ देख सकते हैं साउंड के साथ मैच करना है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ पे ज़्यादा भाग आ रहा है यहाँ से यहाँ तक का, तो इसको हम पहले यहाँ से कट कर देते हैं। पहले ही इसको करना था, पहले साउंड लगा लेते तो बहुत अच्छा था, तो इसको हम कट कर दिए। उसके बाद इसको हम टिक कर देते हैं, टिक करने के बाद इसको यहाँ से खींच के यहाँ तक पूरा कर लेते हैं। उसके बाद भी यहाँ पे इसको इस वाले भाग को भी इसके साइड में एकदम ठीक बराबर से मिक्स कर लेना है, जैसे कि लगे कि एकदम कटा हुआ नहीं है, इसके बगल में ही रहना चाहिए। इस प्रकार लगाने के बाद आपको करना क्या हुआ, जो यहाँ से साउंड यहाँ से ख़त्म हो रहा है, तो इतना पे हम कट कर लेते हैं सबको, इसको भी कट कर लेते इधर से, और इसको भी सिलेक्ट करके इसको भी कट कर लेते हैं। और लास्ट काम अब बच जाती है क्या, तो इसको जो इधर वाला कट भाग है इसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से क्रोमा की को ऑन कर देना है। तो ऑन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको आएगा, तो इसको क्रोमा की को मिलाना पड़ेगा अच्छी तरह से। तो इसको हम ऐसे करके मिला लेते हैं, थोड़ा और इधर करते हैं जो अच्छी तरह से मिल जाएगा।
तो दोस्तों मैंने कुछ इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से मिला लिया है, आप भी इसको अच्छी तरह से मिला लीजिएगा और एकदम अच्छे तरह से मिलाइएगा। जो की कलर को चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको की कलर सही नहीं मैच कर रहा है तो यहाँ से की कलर को चेंज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से चेंज करके मैच कर लीजिएगा और मैच करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से वीडियो बन जाएगी। इसको टिक कर दीजिए और टिक करने के बाद ये इस प्रकार से वीडियो बनेगी, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं थोड़ा सा। और इस वीडियो का आपको ट्यूटोरियल कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो एक और यहाँ पे कमी आ रही, देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा शर्ट है वो यहाँ पे काला हो रहा है, तो इसको फिर से हम बोल रहे थे जो क्रॉप का ऑप्शन है इसको पूरा अच्छी तरह से मिलाइएगा और क्रॉप में जाकर आप उसे फिर से मिला के ऊपर नीचे करके मैच कर सकते हैं। तो इस तरह से यह बन सकता है आपको बहुत ही अच्छा, और टिकटॉक में अपलोड कीजिएगा तो लाइक्स भी ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंस डे आ रहा है। तो इस तरह से बनाइए, और इसका ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो चैनल पर नए थे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही।